छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए बुंदेली न्यूज़ चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। बुंदेली न्यूज़ चैनल को नगर के हर गली मोहल्ले से रिपोर्टर और संवाददाताओं की आवश्यकता है। संपर्क करने के लिए बुंदेली न्यूज़ पोर्टल पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मटर की उपज के सही दाम नहीं मिलने से नाराज किसानों ने सड़क पर चक्का जाम किया और हंगामा कर दिया। हरपालपुर कृषि उपज मंडी के व्यापारियों की मनमानी के लगाए आरोप। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा मटर की खरीदी बोली कम लगाने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने मंडी के बाहर फसलों से भरे ट्रैक्टर ट्रोलियों को सड़क पर खड़ा कर कृषि उपज मंडी के गेट के बाहर लहचुरा रोड पर चक्का जाम कर दिया। जाम की वजह से रोड पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। इससे यात्रियों और वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। करीब एक घंटे तक किसानों द्वारा काटे जा रहे मौके पर पहुंचे थाना TI राकेश साहू ने समझाइश देकर शांत करा कर जाम खुलवाया। किसानों को समझाया कि तहसीलदार आ रहे, उनको समस्या के बारे में बतलाया। मौके पर पहुंचे नौगांव तहसीलदार संदीप तिवारी को बतलाया कि मंडी के व्यापारी किसानों की उपज मटर की खरीदी मनमाने दाम पर कर रहे हैं। किसानों को अपनी उपज बेचने में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मटर MSP 5000 के ऊपर, उसके बाद भी मंडी व्यापारी 3000 से 3500 तक ही बोली लगा रहे हैं। साथ ही व्यापारियों द्वारा किसानों की मटर एक समान होने के बाद भी बड़े अंतर से नीलामी बोल रहे हैं। मंडी में दोपहर 2 बजे के बाद नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई। नीलामी प्रक्रिया शुरू होने के दौरान मटर के दाम कम लगने पर किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। किसानों का कहना था कि वह कड़ी मेहनत कर फसल तैयार करते हैं, लेकिन यहां पर दाम सही नहीं मिलते, जिससे किसानों की जेब कट रही है। सौरा निवासी किसान कमलेश पाल और सोनू राजा आदि ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया के दौरान मटर के दाम सही नहीं आ रहे हैं। इसी को लेकर दोपहर करीब 4 बजे किसानों ने नीलामी बंद करा दी और मंडी गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। तहसीलदार के आश्वासन के बाद दोबारा शुरू हुई नीलामी। सड़क पर चक्का जाम किए किसानों नौगांव तहसीलदार संदीप तिवारी के आश्वासन के बाद फसल खरीदी शुरू कराई गई। जिस तरह की गड़बड़ी चल रही है उसे जल्द दूर किया जाएगा। इसके बाद नाराज किसान मान गए और मंडी के व्यापारियों को दोबारा नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इसके बाद फसल की खरीदी शुरू हो सकी। किसानों का कहना है कि फसलों की तुलाई सही तरीके से हो और उन्हें फसलों के सही दाम मिले। साथ ही मंडी में नीलामी प्रक्रिया सुबह 11 बजे शुरू होनी चाहिए। किसानों ने अपनी मांगों के संबंध में जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को आवेदन दिया। एक ही डाक बोले 4500-5800 रुपए, वही मटर है, वही क्वालिटी है, गीली में 19-20 हो सकती है। ये कहाँ का आराम से भैया, जैसे गीली हुई है, मिट्टी हुई है, 19-20 हो सकती है, 18-20 हो सकती है, लेकिन यहाँ ये 2800 की डाक बोले हैं आप और ये यहाँ 4600 की डाक जा रहे हैं, आप इस पर विचार कर लीजिए। ये भैया फर्क है, एक सेकंड एक बात आपने आप ही बताइए भाई, आप देख लीजिए, एक सेकंड भैया, कोई अंडर लगे सर, एक सेकंड एक बात और सर, ये समस्या ये है सर, हम बता रहे हैं यही क्या है कि जो हमारा वायु फसल है सर, बोला भैया आप तो लो दूर रहो, एक कम आगे दूर हो, उतार जा उतार जा, यहां वहां की तरफ जा, एक ऐसा वाले भी चले जा, आप लोग साहब से व्यापारियों से मिले नहीं, एक सेकंड सुन बोलो भैया, एक बोलो एक ना बोलो, नहीं भैया की बात सुनो, हां बोलो आप, क्या होता है जो हमारी बोली रहती है उसका कोई निर्धारण नहीं रहता, 0 से लेकर ∞ किसी भी दिन तक जा सकती है बोली, और उसके बाद जैसे इनका 3000 कोई रेट है, इनका 3000 आखिरी बोली की लग चुकी है, तो फिर इनसे भी पूछा जाता है कि क्या आपने माल बेचा है अपना कि नहीं बेचा है, ये कह देंगे नहीं बेचा तो कोई बात नहीं, अपना ले जाएंगे भैया, अपने आप से एक बात बोले, हम दाम करने के लिए वहाँ कितने लोग आते हैं, अपने यहाँ पे कितने बाड़ियाँ हैं बात करने के लिए सर, हमारे इधर 8-10 लोग आते हैं, 8-10 लोग आते हैं, उनमें से बोली कितने लोग लगाते हैं आप ये बताइए, आपके खुद मुँह से सुना है सर, 2 लोग बोलते हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, मंडी वाले क्या करोगे, अरे
अंदर नहीं आएंगे ना सर, नहीं अंदर तो आना पड़ेगा। मैं भी जा रहा हूँ तो हाईवे पे चले देखते नहीं, ऐसा नहीं लगा पाओगे जाम, चुनाव सिर्फ आज अंदर लग निकल पड़ता है। जो लोग ठीक है भैया, लेकिन ये थोड़ी नहीं हमें यार, आपने खुद मुंह से सुना है, हमने दो लोग डाक बोल रहे हैं, तीसरे कोई बोलता ही नहीं, बोल रहे हैं भैया चलो तुमने ले लिया तुम्हें दिया हमने, ये क्या मतलब हुआ यार? 3,000 रुपए कौन सी मिठाई बकरी है अपने आप में यहाँ पे मिठाई उसके बाद किसानों को भेजा जाता है कि आपने ये माल बेचा कि नहीं बेचा, और उसकी कोई भी सर MSP डिसाइड नहीं है, क्योंकि हम लोग सरकारी खरीदी नहीं कराते, हमारे मंडी के जो हमारे लाइसेंस होल्डर है वो खरीदी करते हैं, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक उसकी दर रहती है। तो जैसे मान के चलिए इनकी 4,000 की दर है सर, तो 4,000 में इनसे पूछा जाता है आपने माल बेचा कि नहीं बेचा, इनकी सहमति के बाद ही माल बेचा। सहमति कहाँ पे देंगे ना हम लोग, सहमति कहाँ देंगे, आप 3,000 से ज्यादा बोलते हैं। एक सर जी, एक चीज है सर जी, हमारी बात सुनेंगे आप, हमारी बात सुनेंगे सर जी। अगर मटर में हमने बताया एक साहब 2,800 रुपये डाक बोलते हैं, 2,100 रुपये पे डाक टूट जाती है, 4,500 रुपये पे जाती है, हम आपको माल भी बता देंगे सर जी, आपको कि ये ट्राली खड़ी है ये ट्राली खड़ी है, एक आपको 300 की डाक बता देंगे, एक आपको हम 4,500 की डाक बताएंगे, आप ही डिसाइड करें कि माल में क्या डिफरेंस है। पिसिया बोलो, पिसिया बोलो भैया, कौन है पिसिया वाले मटर ट्रॉली व्यापारी का, मटर वाले व्यापारी? अरे 3,200 रुपया, 3,250, 3,300 रुपया, 3,400 रुपया, 3,450, 3,451, बोलो भाई 3,451 रुपया, 3,452 रुपया, 3,460 रुपया, 61 रुपया, 75, 76, 80, 81, 90, 91 रुपया, 3,500 रुपया, 3,501, 2 रुपया, 3, 3,504, 5, 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया, 11, 21, 3,506 रुपया, 3,522 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 71, 40, 50, 51 रुपया, 60 रुपया, 3,061, 66, 70 रुपया, 71, 80, 81, 3,600 रुपया, 3,601, 2 रुपया, 5, 6, 7 रुपया, 3,625, 26, 30, 71, 72, 40, 50, 51, 60, 3,661, 70 रुपया, 71, 76 रुपया, 80, 81 रुपया, 82, 3,690, 3,600 रुपया, 3,600 रुपया, 3,600 रुपया, 2, 3,603, 3,600 रुपया, 3, ट्रॉली केवल भेजिए आप ही भेजिए हमारे आदमी। 3,300 रुपये बताओ भाई, 3,300 भाई, 3,300 सहयोग करनी चाहिए यार पुलिस को, हमारे साथ है कौन सी तारीख है? 9 तारीख है सर। ये चीज के ब्लॉक की तो आपका मन है कि हमें ये समझ रहे हैं, किसी का मन है हमें दो रुपये मिलेंगे, तो सर जब 10 लोग होंगे तो 10 हंसाए आएंगे, तो सर जब 2 लोग और 3 लोग ही होंगे तो उसमें क्या होगा? और सबसे और एक बात ये है सर जी, हम बता रहे हैं सर, ये है सर, यहाँ जो मंडी में बोली लग रही है उन्हें बहुत ही अनियमितता है, वही मटर यहाँ पे 2,500 रुपये की बोली लगाती है और बेची हुई यहाँ पर यहीं पर वहाँ 3,500, 3,500, 3,800 रुपये तक जाती है, इतनी अनियमितता क्यों हो रही है बोली लगाने में? कि भाई हम जानते हैं कि अगर वो डीली या कुछ है तो 100-200 का तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन सर एक कहाँ से अनियमितता आ गई कि जहाँ 1,000 से 1,500 तक का फर्क पड़ रहा है? दूसरी बात यह सर, यहाँ पर कोई रेट सूची दर्शाई नहीं जा रही है,
और व्यापारी अपनी मनमानी से ही रेट अपने निर्धारित तय कर लेते हैं। और जो भी लहसुनधारी यहाँ पर व्यापार है वो डाक बोलने क्यों नहीं आते हैं? साहब यहाँ पर दो तीन लोग ही आते हैं और वहाँ से उन्होंने कह दिया कि बस इतनी होगी, बोले बस तुमने ले ली, बोले हाँ ठीक है बस तुमने ले ली चल दीजिए। और समस्या ये है सर, कितनी अनियमितता किसानों के साथ कैसे हो रही है सर कि यहाँ एक सर मैं बताता हूँ, इनकी ट्राली हमारी बगल की खेत की एक सी फसल है, इनकी जा रही है 2800 की, हमारी जा रही है 3300 की, और एक की जा रही है 4300 की। सर परेशानी है सर कि हम लोगों को उचित मूल्य मिलना चाहिए भाई, 100-200 का फर्क पड़ सकता है अगर बिजली है या थोड़ी बहुत कम्बड़ हो सकती है, लेकिन सर कहाँ 2800 कहाँ 4300 की बोली लग रही है, ये अनियमितता क्यों आ रही था? यहाँ तो स्पष्ट यही लग रहा है कि व्यापारियों की मनमानी है, रेट सूची लगाई नहीं जा रही है, तो इससे अब प्रशासन तंत्र जाने क्या धांधली चल रही है, क्यों नहीं लगाई जा रही, क्यों अंधकारों में किसानों को रखा जा रहा है? आप बताइए कोई रेट सूची लगी यहाँ पर कि किसानों की क्या कीमत निर्धारित की जाएगी, किस फसल की क्या कीमत? सर यहाँ पे और सर एक चीज़ और है, यहाँ पर सब ये बात चली है लेकिन कोई भी सरकारी जो भी इसके जो भी जिम्मेदार लोग हैं सर, यहाँ तक ये चक्का जाम तक हुआ है लेकिन कोई भी अधिकारी वहाँ तक सुनने हमारी बात को सुनने कोई नहीं आया। जब चक्का जाम हुआ पुलिस प्रशासन आया, इन्होंने अपनी बात रखी, हम लोगों ने इनकी बात मानी, बोले नहीं हम अधिकारी संबंध को बुलाते हैं और आप शांति तरीके से अपनी बात रख दीजिए, हमने उनकी बात मानी सम्मान तरीके से। सर तो यहीं पर होती हुई से कुछ सुन ही नहीं रहा है, आपने सर ने देखा है कोई भी अधिकारी वहाँ पर सावरी मंडी के इंचार्ज तो जी है ना सर, आपकी बात ना मैं आपकी बात मानी सर जी, सर जेंडर में आपकी बात मानी सर जी, मंडी जारी होता है जी, किसान की और व्यापारी की संविदा होती है, उसमें बोली लगाई किसान की कीमत तय कर बोलता है कि ठीक है भाई हमारा माल बिका हुआ हमने मांग, तो किसान जो उसको वो संतुष्ट नहीं होता है तो बोलता नहीं हम साथ में हैं और भी हम बात होती अगर उसको रेट सही नहीं मिलेगा तो वो क्यों यहाँ पे बताइए फिर, तो दोहरी मार से मर गया ना सर। सर ये वो सबसे बड़ी दिक्कत है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन लोगों का मनमाना ये चल रहा है कि सर ये 2 बजे से डाक बोलने आते हैं, हम लोग आज सुबह पूछो किसी भी 4 बजे 7 बजे सुबह 5 बजे सर आते हैं हम लोग, बिना खाना खाए सर आ रहा है, तो एक सर ये प्रावधान करवाइए कि सुबह 10 बजे से डाक है। सर आपसे ब्रह्म निवेदन है हमारा ये 2 बजे से डाक क्यों आप करते हैं, आपको रात में मनमानी रात के 12 बजे जी सर ठीक है सर, ये आपसे एकदम चप्पल रिक्वेस्ट है। किसानों के बाजू जाम हम लगाए आप लोगों द्वारा जी सर, ऐसा समस्या ये हुई है कि हम लोग जब ट्रैक्टर लेके आए हैं, जब डाक बोली गई है यहाँ पर, तो एक ट्राली वहीं जो लगी हुई है एक सा माल है, एक का डाक बोल रहे हैं 3100 रुपये पे डाक तोड़ रहे हैं, और एक ट्राली का मटर का जो भाव बना है उसका 4500-4600 रुपये डाक पहुँचती है, तो सर जी ये रेट में असमानता दिख रही है, ये असमानता यहाँ के व्यापारियों की एक तानाशाही है, एक मनमर्जी दिखा रहे हैं और ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि किसानों अगर जो कुछ तुम लोगों को करना हो कर लीजिए, हमारा कुछ नहीं होने वाला है, अगर आप हड़ताल करोगे नहीं भेजोगे हम पुलिस को निकलवाएंगे, मन का भाव ले और मनमानी अपनी मनमानी हो रही है हर बार मन मानी बस कुल मिला के मटर है अरे है, मैं भूदी से आज मटर लेके आया था, तो मेरे भाई की ट्रॉली की पहले ना हुई, उन्होंने मुझे कॉल किया कि हमें भैया यहाँ मंडी आओ 2800 से 3200 तक गुप्ता लोग बानिया लोग हैं जो यहाँ खरीदते हैं वो माल खरीद गए, और सबसे बड़ी बात सर यहाँ की क्या है मंडी की कि जो रजिस्टर्ड बानिया हैं 8-10 हैं 12 हैं 15 हैं वो एक भी लोग नहीं आप डाक बोलने के लिए आते, यहाँ पर 2 या 3 लोग आते जो अभी प्रेजेंट में खड़े हैं, ये हिसाब की बात है, और उन लोगों की सब मिली भगा दे, पुलिस को भी रुपए खबा रहे हैं, अच्छा SDM साहब को कलेक्टर साहब को सबको खरीद कर रखा है उनने, किसानों के ऊपर आप देख रहे हैं अभी आप बीती क्या हो गई, फिर भी इन लोगों को इतना नहीं होता कि किसान का MRP कितना है, 5200 रुपये मटर का है जो अभी 2800 के लगा के 3500 तक 3600 तक डाक बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता, तो किसानों ने आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, और अभी हमारी लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो जाके नेशनल हाईवे पे जाम लगाएंगे। धन्यवाद सही है जाए ठीक है नहीं नहीं मैं जाए क्या समस्या है बताओ लोग आज उनके बिना निवेदन करते हैं सर कि हमारी मांगे पूरी हो जाए, हम लोग किसान आदमी हैं इतनी मेहनत करके लाते हैं ओले पड़ गए ओले पड़ गए पानी बरस गया, और सर यहाँ ये लोग ये जो हमारे खरीदार हैं
वो लोग 3500 रुपया 3300 रुपया हमारे मटर का रेट लगा रहे हैं। 3500 है तो हम क्या करें बताए। मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि मंडी प्रांगण के बाहर किसानों के द्वारा कुछ जाम लगाया गया है, तो थाना प्रभारी हरपालपुर के द्वारा जाम लगाने में सहयोग किया गया और किसानों के द्वारा भी सहयोग किया गया है। जो मटर है, मटर के रेट को लेकर समस्या थी। किसानों का कहना ये था कि कुछ ही व्यापारी आते हैं और बहुत सीमित दाम बोलते हैं और तो नीलामी हो जाती है, तो इसी संबंध में उन्होंने अपनी समस्याएँ मुझे बताई। पुनः मैंने डाक चालू करवा दी है, किसानों की समस्याओं को भी ध्यान में दिया जाएगा, व्यापारी की समस्याओं को भी ध्यान में दिया जाएगा और दोनों के मध्य एक सामंजस्य बैठा के काम किया जाएगा ताकि हमारा किसान भी परेशान ना हो और व्यापारी ही परेशान ना हो। जाम खुल गया है, अब ऐसी कोई समस्या नहीं है, हमारी डाक चालू। धन्यवाद सर।